देख सकते हैं ये पीछे है ऑडिटोरियम जहाँ पे मैं बहुत सारी डांस वगैरह मैंने किया है। ये है एक भाभी जो मैं क्लास वन से जब मैं पढ़ती थी। ये है क्लास वन से मेरी फ्रेंड शाइनी। स्कूल का मिस जो हम लोग क्लास टीचर थी क्लास 11 में जो मेरी फेवरेट है। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वायर्स वीडियोस बहुत कुछ प्रेयर्स बहुत कुछ बनाए थे यहाँ पे। Hey guys, welcome back to my channel, welcome back to another video. So title और thumbnail से तो आप जान ही चुके होंगे कि आज भी होने वाला है एक exciting video आपके लिए, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मेरे स्कूल पे after 5 years. Yes, so without a start this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel and don't forget to turn on the bell notification so that you get notified whenever I upload a new video. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना सो वो जो रेड कलर का बटन है ना उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो बिल्कुल फ्री है। सो गाइस, इस वीडियो में जो है मैं अपनी स्कूल पे जाने वाली हूँ आफ्टर 5 years. आफ्टर स्कूल मैं अपने कॉलेज में बिजी हो गई थी उस लाइफ में, एंड आफ्टर कॉलेज मैं अपने जॉब में बिजी हो गई थी. सो आई वॉज नॉट हैविंग एनी टाइम टू गो एंड टू मीट माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स एंड गो बैक टू द स्कूल एंड रिगेन ऑल द मेमोरीज विच आई हैड. बट यस, थैंक्स टू आवर स्कूल विच इज असेंबली ऑफ क्राइस्ट स्कूल, कि उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जो है रीयूनियन एंड वी ऑल द फ्रेंड्स मेट ईच अदर आफ्टर 5 years. तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं जिस स्कूल पे पढ़ती थी वो है असेंबली ऑफ क्राइस्ट स्कूल जो है नॉर्थ कोलकाता में इन बैरकपुर. सो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट इफ यू आर सर्चिंग एनी स्कूल इन अ नॉर्थ कोलकाता इन एरिया ऑफ बैरकपुर और नियर बाय बैरकपुर, हाईली रिकमेंड यू पीपल माई स्कूल विच इज असेंबली ऑफ क्राइस्ट स्कूल विच इज लोकेटेड इन बैरकपुर विच इज ICSE एंड ISC बोर्ड एंड इट्स अ क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल. अगर मुझसे मेरा रिकमेंडेशन अगर आप पूछोगे सो आई विल टेल कि आई लव माई स्कूल एंड द वे आई हैव लिव्ड इन दिस स्कूल फॉर 12 years. इट वॉज मेमोराइजिंग एंड आई ट्रस्ट मी गाइज, द वे दे टीच ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन, दे ट्रीट ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन, दे गाइड ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन इज अमेजिंग. यस, आई रिकमेंड दिस स्कूल टू ईच एंड एवरी वन, बिकॉज पर्सनली मैं स्कूल पे 12 साल में रही हूँ फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12. मैंने स्कूल को चेंज नहीं किया बिकॉज यस, द टीचिंग एंड द गाइडेंस दे हैव गिवन टू मी इट वॉज अमेजिंग एंड आई डिडंट थिंक ट्वाइस टू चेंज इट. सो इफ यू वॉन्ट टू विजिट दिस स्कूल एंड यू वॉन्ट टू गो, आई विल मेंशन द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन, सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट. सो बैक टू माई वीडियो, इस वीडियो में आपके सामने मैं यही प्रेजेंट करने वाली हूँ कि आफ्टर दिस 5 years how this school has changed and कैसा है अब ये जो Assembly of Christ स्कूल है वो कैसा है, ये सराउंडिंग कैसा है. एंड यस, मेरा ये छोटा सा कोशिश है कि मैं आपको फिर से मेरा जो स्कूल डेज में है मैं आपको वापस लेके जाऊँ. एंड यस, विदाउट अ फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभी जा रही हूँ स्कूल में, बहुत सालों के बाद मैं जा रही हूँ. सो मैं वहाँ पे जाके आप वीडियो करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि क्या चेंजेस आए हैं या नहीं. मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, मुझे बहुत लेट हो रहा है. सो मैं तो फुल्ली रेडी हूँ, तो अब जाते हैं वहाँ पे जाके आपसे बात करते हैं. सो इस वीडियो में ना मैं कुछ कुछ जगह पे वॉइस ओवर कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था. तो ये है हम लोग का बास्केटबॉल ग्राउंड और उस साइड पे है हम लोग का कैंटीन और ये जो है ना ये हम लोग का क्लासरूम था. क्लास 11 12 हम लोग ने यहाँ पे मेरा क्लासरूम था. सो ये सारा क्लासरूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ना जो मैम बोल रही है कि चलने के लिए आगे. सो यहाँ पे भी सारे क्लासरूम है और यहाँ पे है स्विमिंग पूल जो यहाँ पे अभी पानी नहीं है. और स्विमिंग पूल के बगल में ही ना यहाँ पे ग्रीन रूम है और ग्रीन रूम के बगल पे ही हम लोग का ये ऑडिटोरियम है. और ये साइड पे आप देख रहे हैं ये सारा क्लासरूम है, जूनियर्स का क्लासरूम है. एंड यस, ये है ऑडिटोरियम. यहाँ पे ना मेरा बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मैंने किया है, सिंगिंग डांसिंग. सो मेरा सारा कॉम्पिटिशन यहाँ पे ही हुआ था. सो कुछ देर चलते ही ना यहाँ पे ऑडिटोरियम से निकलती यहाँ पे है वॉशरूम. वॉशरूम इन द सेंस कि यहाँ पे आप फेस वगैरह धो सकते हो. यहाँ पे ना मैं हाई बोल रही हूँ क्योंकि पहले हम लोग जब यहाँ पे पढ़ते थे तो इतने सारे मिरर्स नहीं थे. सो यस, यहाँ पे थोड़ी देर और चलते यहाँ पे है बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड जहाँ पे ना
बॉयज लोग फुटबॉल खेलते थे, हम लोग भी विंटर्स में यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे। ये बहुत बड़ा सा एक प्लेग्राउंड है। और ये यहाँ पे है क्लासरूम, जब हम क्लास वन में पढ़ते थे तो ये सारा क्लासरूम था हमारा। अब हम लोग है कि ऑडिटोरियम में है, ये देख सकते हैं, ये पीछे है ऑडिटोरियम जहाँ पे मैं बहुत सारी डांस वगैरह मैंने किया है। एंड ये है एक भाभी, जब मैं क्लास वन से जब मैं पढ़ती थी तब से मैं इस भाभी से मुझे मुलाकात हुआ है। भला चाहूँ सो एंड यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स लोग, ये हाई बोल दो थोड़ा कैमरा में। सो अभी मैं आप लोगों को टूर दिखाती हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है जो बहुत चेंजेस हुआ है, एंड यहाँ पे ऑडिटोरियम जहाँ पे बहुत सारे डांस वगैरह हुआ है हम लोग का। सो चलिए आपको टूर दिखाती हूँ। सो हाय गाइस, कैसे लगा है तुम लोगों को फिर से आके? Awesome, mind blowing. ये है मोहना और ये है देवज्योति। सी द ब्यूटी गाइस, सी द ब्यूटी। ये है क्लास वन से मेरी फ्रेंड शाइनी, कैसी हो? वेरी गुड ना। और यहाँ पे हम लोग का स्कूल, जहाँ पे ये है प्रिंसिपल मैम, जो हम लोग का फाउंडर्स जो है प्रिंसिपल मैम एंड सर का, ये है पे। यहाँ पे है ऑफिस जो बहुत चेंजेस हुआ है, एंड यहाँ पे है ऑफिस, पहले स्टाफ रूम था, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। सो गाइस, ये जो है ना, ये गर्ल्स हॉस्टल है जो बास्केटबॉल ग्राउंड के ठीक ऑपोजिट में ही है। यहाँ पे हम लोग का क्लासरूम, या शाइनी बोलेगी, बोलो शाइनी। यस, यहाँ पे हम लोग का बहुत सारी मेमोरीज है गाइस। हाँ, ये 12th कॉमर्स। भला अच्छा है, भला अच्छी सर। गाइस, ये है मेरी स्कूल का मिस, जो हम लोग की क्लास टीचर थी क्लास 11 में, जो मेरी फेवरेट है। बहुत बहुत साल बाद हम मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये है हम लोग का स्कूल बस, और ये है वे टू कैंटीन। पहले जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी तो यहाँ पे सिर्फ एक बस था, स्कूल बस। अब यहाँ पे 3-4 बस हो चुके हैं। आई एम सो प्राउड। एंड यस, ये है कैंटीन का एरिया जो भी बंद है, और ये है वो बास्केटबॉल ग्राउंड, और बास्केटबॉल ग्राउंड के ठीक राइट साइड पे है गर्ल्स हॉस्टल। सो ये जो एरिया है ना, ये स्कूल के अंदर और बाहर जाने का एरिया है, और ठीक इसके राइट साइड पे है ये स्टेज, और ये है लाइक प्रेयर्स करने की जगह। जो पहले जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, जब स्कूल में एडमिशन मैंने लिया था ना, तो ये एक बहुत बड़ा सा एक पॉन्ड था, जिसको हाफ कवर करके ना ये प्रेयर का एरिया बनाया है, और ये स्टेज है जो हम लोग यहाँ पे प्रेयर करते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वायर्स, वीडियोस, बहुत कुछ प्रेयर्स, बहुत कुछ बनाए थे यहाँ पे। सो बहुत सारे मेमोरीज है। और ये है वो एरिया जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि बहुत बड़ा सा पॉन्ड है। ये है वो पॉन्ड जिसको हाफ कवर करके ना हम लोग को ये प्रेयर एरिया बनाया गया था। और ये है स्टेज जिसपे मैंने बहुत सारे क्वायर्स गाया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आके मुझे क्वायर पे गाना गाना पता था। सिर्फ मैं नहीं थी, बाकी स्टूडेंट्स भी थे। एंड यस, ये पूरा सा एरिया है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आके हम लोग लाइन पे खड़े हो जाते थे और हम लोग प्रेयर वगैरह करते थे। और ये जो एरिया है वो मेरा बहुत दिल का करीब है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो एल्डर सिस्टर है, मेरी दीदी,
हम लोग का यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे लगाया जाता था, क्योंकि मेरी दीदी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी और मैं सिंगिंग एंड डांसिंग में, तो कोई भी कंपटीशन में अगर कोई भी लाइक विन होता था तो यहाँ पे उनका पिक्चर्स वगैरह लगाया जाता था। और ये है हाउस एक्टिविटी जो मैं थी सुभाष हाउस पे लाइक डे वन जब मैं स्कूल पे आई थी, लाइक फ्रॉम क्लास वन टिल क्लास 12 मैं सुभाष हाउस पे थी। तो यहाँ पे ना हम लोग जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे यहाँ पे वो सब सारे स्टिक होता था। और ये है वो स्कूल बस जिसको मैंने 12 साल झेला है। ट्रस्ट मी गाइज, यही वो बस है जिस पे मैं जाती थी आती थी। एंड ये इस बस में ना बहुत सारे मेमोरीज है मेरा। एंड ये फाइनली द डे केम टू एन एंड, बट आई रियली रियली लव्ड इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू टेल, बट ये स्कूल ना मुझे हमेशा बेस्ट मेमोरीज ही देते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ यू हैव लव दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द रेड बटन एंड सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। बट आई एंड दिस वीडियो में आपसे यही बताना चाहती हूँ, जब मैं वापस में स्कूल पे गई 5 साल बाद, जो टीचर्स वेर सेम, हाँ मैंने वहां पे कुछ नए फेसेस देखे, कुछ नए टीचर्स वहां पे आए, बट द ओल्ड टीचर्स वेर स्टेइंग सिंस आई वॉज देयर एंड सिंस बिफोर आई वॉज देयर। सो इट वॉज रियली अमेजिंग द वे प्रिंसिपल मैम्स डॉटर एंड एवरी ईच एंड एवरी टीचर दे केम अप टू अस एंड द वे दे ट्रीटेड मी, ट्रीटेड ईच एंड एवरी पर्सन वॉज अमेजिंग। इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कुड एवर हैव एंड थैंक यू सो मच टू द स्कूल बिकॉज आई लव्ड इट, आई पर्सनली लव दिस रीयूनियन। सो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट क्या आपने भी रीयूनियन गए हो अपने स्कूल पे एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल परफेक्ट था। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपने भी अपने स्कूल पे रीयूनियन गए हो तो हाउ वॉज इट, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू हैव सीन कि आप जब पास आउट हो चुके हो तो हाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड अप। सो यस, आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।